हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। मैं कोमल सोनी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम बेसिक केमिस्ट्री की सीरीज़ में फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी देखेंगे, एटॉमिक रेडियस, परमाणुीय त्रिज्या। पीरियोडिक प्रॉपर्टी देखने से पहले आपको पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। अगर आपको आवर्त सारणी याद नहीं है तो आप ट्रिक से उसको याद कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरा एक प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आवर्त सारणी को याद करने की ट्रिक बताई है। अब हम देखते हैं कि आवर्त सारणी में कुछ तत्व बड़े आकार के होते हैं और कुछ तत्व छोटे आकार के होते हैं। कुछ एलिमेंट बड़े साइज़ के, बिग साइज़ के होते हैं और कुछ एलिमेंट बहुत छोटे आकार के होते हैं। ऐसा क्यों होता है? कुछ एलिमेंट्स बहुत क्रियाशील होते हैं और कुछ एलिमेंट्स कम क्रियाशील होते हैं। कुछ एलिमेंट बिल्कुल क्रिया नहीं करते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसको देखने के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी है, पीरियडिक प्रॉपर्टी है, एटॉमिक रेडियस, परमाणुीय त्रिज्या। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणुीय त्रिज्या का मान बढ़ता है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुीय त्रिज्या का मान कम होता है। यानी कि परमाणु का आकार जो है, एलिमेंट्स का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये है, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि परमाणुीय त्रिज्या का मतलब क्या होता है। परमाणुीय त्रिज्या का मतलब होता है किसी परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की दूरी, बाह्यतम कोश की दूरी जो होती है उसको हम कहते हैं उसकी परमाणुीय त्रिज्या। नाभिक से बाह्यतम कोश, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, उसकी दूरी को हम कहते हैं परमाणुीय त्रिज्या। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं, आपने देखा होगा कोश बढ़ते हैं। जैसा हमने देखा है, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 1s में, 1s1 के रूप में। लिथियम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2s1, यानी कि उसका कोश बढ़ गया। हाइड्रोजन के लिए यदि हम देखें तो हाइड्रोजन के लिए केवल एक कोश था, यानी कि इसकी त्रिज्या कम थी। लेकिन लिथियम के लिए ये देखें तो दूसरा कोश आ गया, सेकंड कोश, तो इसकी त्रिज्या बढ़ गई। यदि हम सोडियम के लिए देखें तो यहाँ पर आ जाएगा 3s1, पोटेशियम के लिए देखें तो 4s1, यानी कि कोशों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। कोशों की संख्या बढ़ जाने के कारण नाभिक से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की जो दूरी हो रही है वो भी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण परमाणु का आकार बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ यदि हम देखें कि आवर्त में यहाँ से यहाँ जाने पर परमाणुीय त्रिज्या का मान कम क्यों होता है? इसका मान कम इसलिए होता है क्योंकि इससे यहाँ से इस तरफ जाने पर, जैसा कि हम देखते हैं लिथियम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2s1 में, लिथियम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2s में, यानी कि ये इसका नाभिक हो गया, ये इसका प्रथम कोश और ये इसका द्वितीय कोश, 1s2 और 2s1। बेरिलियम में यदि हम देखें तो यहीं पर एक और इलेक्ट्रॉन भर दिया जाएगा, 2s1 तो हो गया था, अब इसमें आएगा 2s2। इससे आगे यदि हम देखें बोरॉन के लिए, बोरॉन के लिए इलेक्ट्रॉन या विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p1, 2p1, यानी कि इसी कोश में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। यदि आगे हम जाते हैं कार्बन के लिए, कार्बन के लिए यदि हम आगे जाएंगे तो आएगा 2p2, यानी कि इसी कोश में इलेक्ट्रॉन है। आगे नाइट्रोजन के लिए एक और इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गया, एक और इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गया, एक और इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि बाएं से दाएं जाने पर कोश वही रहता है, कोश चेंज नहीं होता है, कोश वही रहता है। अब कोश वही है, वहीं पर इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, तो नाभिक के द्वारा एक आकर्षण बल लगाया जाता है, नाभिक के द्वारा इन इलेक्ट्रॉनों को खींचने के लिए एक आकर्षण बल लगाया जाता है। इस बल को कहते हैं नाभिकीय आकर्षण बल। जैसे जैसे हम आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाते हैं, नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है, जिसको हम प्रभावी नाभिकीय आवेश भी कह सकते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश यहाँ पर बढ़ता है, इस यहाँ से यहाँ जाने पर, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉनों को खींचने के लिए ये जो
धनात्मक चार्ज है। जो नाभिक है वो ज़्यादा जोर लगाता है, ज़्यादा बल लगाता है, जिसके कारण इनका आकार छोटे से छोटा होता जाता है। लेकिन यहाँ से यहाँ आने पर चूँकि कोश चेंज होता जाता है, आकार बढ़ता जाता है, नाभिक से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की दूरी भी बढ़ती जाती है, जिसके कारण इस पर इतना प्रभावी नाभिकीय आवेश नहीं लग पाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है, जो बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन है, वो लूजली कनेक्टेड होते हैं और परमाणु का आकार बड़ा होता है, परमाणु साइज बड़ा होता है। तो हमने इसका एक कारण तो देख लिया कि प्रभावी नाभिकीय आवेश यदि ज़्यादा है तो परमाणु का आकार जो है वो छोटा होगा, और यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो कम है तो परमाणु का आकार बड़ा होगा। यहाँ पर यहाँ तक हम देखते हैं कि एस ब्लॉक के एलिमेंट में, पी ब्लॉक के एलिमेंट में, यहाँ तक ये बात सही होती है कि ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है। अब हम देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऐसा नहीं होता है कि ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है। बाएं से दाएं जाने पर आकार इसलिए नहीं घटता है क्योंकि इस पर डी ब्लॉक में एलिमेंट भरने शुरू हो जाते हैं। डी ब्लॉक में एलिमेंट भरने जब शुरू हो जाते हैं, हम मान लेते हैं ये नाभिक है, यहाँ पर आया है वन पहला कोश, ये दूसरा, ये तीसरा कोश, तीसरे कोश के बाद ये आता है चौथा कोश। चौथा कोश 4s में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले डी ब्लॉक में एलिमेंट भरे जाते हैं। अब जो ये डी ब्लॉक में एलिमेंट भरे जाते हैं, होता ये है कि नाभिक जो है बाह्यतम कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उस पर नाभिकीय आकर्षण बल लगाता है, लेकिन जब डी कोश में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, डी कोश में इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण ये एक पर्दा प्रभाव डालते हैं, एक पर्दे की तरह कार्य करते हैं, पर्दे की तरह कार्य कर रहे हैं, यानी कि नाभिक को पूरी तरह से आकर्षित नहीं करने दे रहे हैं, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन्स को पूरी तरह से आकर्षित नहीं करते हैं, ये इस आकर्षण को परिरक्षित करते हैं, परिरक्षित करते हैं, जिसके कारण इसका आकार इतना छोटा नहीं होता है, इसका आकार थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। यानी कि यहाँ जाने पर इनका आकार छोटा नहीं हो रहा है, यहाँ जाने पर इनका आकार लगभग बराबर है, या हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश को ये थोड़ा सा कम कर देता है और ये पर्दा प्रभाव प्रदर्शित करता है। अब यदि हम देखें F ब्लॉक के एलिमेंट्स में, F ब्लॉक के एलिमेंट्स यहाँ तक आता है 3D में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आता है 4D में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आता है 5D में इलेक्ट्रॉन। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में इनमें इलेक्ट्रॉनीय विन्यास किस तरह से बनाए जाते हैं वो बताया था, 4D और 5D, 4D 5D। यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो 4D और 5D के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका आकार लगभग समान होता है। ऐसा इसलिए होता है ऊपर से नीचे जाने पर यहाँ पर डी कोश का परिरक्षण प्रभाव जो है वो एफ कोश के परिरक्षण प्रभाव से अधिक होता है। होना तो ये चाहिए था कि ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ रहा नहीं है, इन दोनों का आकार बराबर है। इसका कारण ये है क्योंकि F कोश से D जो कक्षक है, D कक्षक का परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा है। परिरक्षण प्रभाव करता क्या है? परिरक्षण प्रभाव करता है नाभिकीय आकर्षण बल को कम, नाभिकीय आकर्षण बल को कम कर देता, उसको घटा देता, उसके ऊपर पर्दा डाल देता है। तो D कक्षक का परिरक्षण प्रभाव जो है F कक्षक से अधिक होता है, इस कारण 4D कक्षक के जो एलिमेंट्स हैं वो 5D कक्षक के एलिमेंट्स के लगभग बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कुछ अपवाद ऐसे देखे गए हैं, इनमें हम देख सकते हैं संक्रमण तत्वों में और अंतः संक्रमण तत्वों में ऐसा नहीं होता है कि ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ रहा है और बाएं से दाएं जाने पर आकार घट रहा है, ऐसा नहीं होता है। संक्रमण तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर आकार जो है थोड़ा सा बढ़ता है और ऊपर से नीचे जाने पर 4D और 5D में आकार लगभग बराबर होता है। ये होता है परिरक्षण प्रभाव के कारण। अब हम ये देखते हैं कि परमाणुवीय त्रिज्या को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारक तो होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश।
जितना ज़्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा उतना ही कम परमाणुवीय त्रिज्या होगी, उतना ही परमाणु का आकार छोटा होगा। यानी कि परमाणुवीय त्रिज्या जो होती है, परमाणु त्रिज्या जो होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है प्रभावी नाभिकीय आवेश के। कोशों की संख्या के लिए यदि हम देखें तो जितनी ज़्यादा कोशों की संख्या होगी उतना ही ज़्यादा परमाणु का आकार होगा। यानी कि कोशों की संख्या जो है समानुपाती है परमाणवीय त्रिज्या के। यदि हम परिरक्षण प्रभाव के लिए देखें, परिरक्षण प्रभाव यदि अधिक होगा तो परमाणवीय त्रिज्या ज़्यादा होगी। क्यों? इसका कारण ये होता है कि परिरक्षण प्रभाव जो है वो नाभिकीय आकर्षण बल को कम कर देता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश को कम कर देता है, जिसके कारण परमाणु का आकार बढ़ जाता है। यानी कि परमाणु त्रिज्या जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परिरक्षण प्रभाव के। अब इनमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि हमें कुछ आयंस दे दिए जाते हैं, कुछ एलिमेंट्स दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से किसका आकार ज़्यादा बड़ा है। तो हम कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं। ये मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं, इसमें हमें ये बताना है कि किसका आकार ज़्यादा बड़ा है। ये हमें तीन धनायन दे दिए गए हैं, इनमें से हमें किसका आकार बड़ा है ये बताना है। यहाँ पर है सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता है 3s1, यानी कि 3s1 लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 3s1 में भरा जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया जाता है तो कोश तो हो जाता है छोटा, यानी कि 2s2 2p6 इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास हो गया। यदि हम Mg2+ के लिए देखें, Mg2+ तो इसका भी यदि हम इलेक्ट्रॉनीय विन्यास देखें तो इसका भी इलेक्ट्रॉनीय विन्यास आता है 2s2 2p6। यदि हम Al3+ का देखें, यानी कि तीन इलेक्ट्रॉन यदि निकाल दिए जाएं तो इसका भी इलेक्ट्रॉनीय विन्यास आएगा 2s2 2p6। लेकिन इनका आकार समान नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है कि इनमें प्रभावी नाभिकीय आवेश यदि हम देखें तो सबसे अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश किसका होगा? यहाँ से यहाँ जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर सबसे अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है एल्यूमिनियम का। हम देख सकते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम का सबसे अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश है, जिसके कारण परमाणुवीय त्रिज्या कम होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे छोटा आकार होगा Al3+ का, फिर होगा Mg2+ का और फिर होगा Na+ का। इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब में समान है लेकिन प्रोटॉन्स की संख्या अलग अलग है। जैसे जैसे प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ती जाएगी, प्रोटॉन उतने ही हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रोटॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर 11 है तो प्रोटॉन भी इसमें 11 है। मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन 11 है लेकिन प्रोटॉन 12 हो गए हैं, और एल्यूमिनियम के लिए इलेक्ट्रॉन 11 है लेकिन प्रोटॉन्स जो है वो 13 हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ जाने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाने के कारण परमाणु त्रिज्या जो है वो कम हो जाती है। तो सबसे बड़ा आकार होगा Na+ का। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है यहाँ पर 2s2 2p6 3s2। Mg2+ का यदि हम देखें तो हो जाएगा 2s2 2p6। इसका यदि देखें एल्यूमिनियम का तो ये हो जाएगा 2s2 2p6 3s2 3p1। Al3+ का यदि देखें तो ये हो जाएगा 2s2 2p6। यहाँ पर यदि हम देखें तो मैग्नीशियम जो है वो सबसे बड़े आकार का होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने पर आकार जो है वो घटता है, और Al3+ जो है वो सबसे छोटे आकार का होगा। इसका कारण ये है कि जो धनायन होता है अपने जनक परमाणु से छोटा होता है। इसका मतलब Mg2+ Mg से छोटा है और Al3+ Al से छोटा है, इसका मतलब सबसे छोटा हो गया ये।
और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ये में यदि हम देखें तो एल्यूमिनियम छोटे आकार का होता है और मैग्नीशियम बड़े आकार का होता है, तो इसमें से मैग्नीशियम सबसे बड़े आकार का और Al3+ जो है वो सबसे छोटे आकार का होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन सा परमाणु छोटे आकार का होता है और कौन सा परमाणु बड़े आकार का होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, आयनन ऊर्जा क्या होती है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।